नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मैं चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ निविया के ये दो क्रीम के बारे में। इसमें ये बताऊँगी मैं कौन सी स्किन टाइप्स वालों को कौन सा क्रीम किस मौसम में यूज़ करना चाहिए। मतलब अपने सिर्फ भारत देश में ही आप देखते ही होंगे कि कितने प्रकार के मौसम आते हैं, सर्दी, ठंड का मौसम, बारिश का मौसम, पतझड़ आती है। तो मौसम जैसे बदलते हैं तो स्किन में तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट होता ही रहता है। किसी की ऑयली स्किन रहती है तो कब ड्राई हो जाती है वो खुद भी एनालाइज़ नहीं कर पाती। किसी की ड्राई स्किन होती है तो वो कब बारिश के मौसम में ऑयली स्किन हो जाती है, ये ऐसा अक्सर होता रहता है। जैसे कि मौसम परिवर्तन होता रहता है ना, तो स्किन में भी कुछ कुछ चेंजेस आपको नज़र आते हैं। तो मैं आपको ये क्रीम के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप भी जानते हैं यही एक ऐसा क्रीम है अभी हाल फिलहाल में जो पूरी दुनिया जानती है। और दूसरी बात ये इसकी सबसे बड़ी कि इस क्रीम को हो चुके हैं 100 साल पूरे। तो आप देख सकते हैं कि 100 साल में ये क्रीम आज भी वैसा ही मेंटेन करके चल रहा है उसकी क्वालिटी को लेके। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ खास बात है तो तभी ये आज भी पब्लिक इस क्रीम को इतना ज़्यादा यूज़ करती है, क्योंकि कुछ ना कुछ बेनिफिट है। तो इसे मैं तरीका बताऊंगी कि आपको कैसा यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले अब अपन बात करते हैं सॉफ्ट लाइट मॉइस्चर निविया क्रीम की, जो हाल ही में लॉन्च किया है, यानी कि इसको भी काफ़ी साल हो चुके हैं। पर जो पुराना क्रीम है वो जो रखा है मैंने डार्क ब्लू कलर का, उसके बाद ये वाला लॉन्च किया था क्योंकि वो क्रीम थोड़ा थिक होता है। तो पहले अपन इस क्रीम के बारे में जानते हैं, ये बाद में लॉन्च किया था। और इस क्रीम की खास बात ये है कि बहुत ज़्यादा ये लिक्विडी होता है। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, जो लोग ने अभी तक निविया क्रीम या निविया कंपनी का एक भी क्रीम यूज़ नहीं किया है ना, वो कभी अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए, तो उनको अपने आप इसका पता चल जाएगा कि कितना अच्छा क्रीम है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे बारिश का मौसम आता है ना, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, पर बारिश के मौसम में वो ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मैं जैसे बता रही हूँ, जैसे नेल्स के आसपास जो क्यूटिकल्स आ जाते हैं वाइट, तो आप अक्सर कोई कोई उसे तेल लगा लेता है, नारियल का तेल वगैरह, तो जिससे जैसा सूट होता है। पर जो तेल जिनको सूट नहीं होता है ना, उनके लिए ये वाइट निविया क्रीम बेस्ट है। जैसे आप कभी सफ़र पे जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, तो चेंज हो जाता है मौसम ऑटोमेटिकली। आप कहाँ के रहने वाले रहते हैं और आप कहीं घूमने जाते हैं तो चेंज हो जाता है वहाँ का मौसम, तो अक्सर स्किन में कुछ ना कुछ आपको इचीनेस, ड्राइनेस नज़र आ जाती है। तो सबसे बेस्ट क्रीम है, आपको बॉडी लोशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कहीं बाहर जाते हैं। मात्र आप इसी क्रीम, बहुत ज़्यादा लिक्विडी होता है, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है, तो आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए। और हाँ, एक बात और मैं बताऊँ, जैसे कहीं आपको चोट आ जाती है, लग जाती है, कभी कभी जैसे चाकू अपन यूज़ करते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उंगली में लग जाती है चोट, तो आपको उस टाइम पे तुरंत ये क्रीम लगाना चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा, तो आपको निविया का ठीक वाला क्रीम लगाना चाहिए, जो मैंने पास में रखा है डार्क ब्लू कलर का। अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्रीम लगाया तो उसके बाद हाथ और कितने बढ़िया मॉइस्ट हो चुके हैं। मैंने आपको दोनों कंपेयर करके बताया, जिसमें लगाया वो अलग ही क्यूटिकल्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। और ये क्रीम की खास बात ये है कि बहुत ज़्यादा लिक्विडी होता है ये क्रीम, और बहुत जल्दी से फैल जाता है, और ज़्यादा अमाउंट में भी आपको लगता नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा किफ़ायती भी है। बाकी क्रीम जो रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा उनमें केमिकल्स रहता है, ये क्रीम में मेरे हिसाब से केमिकल्स बहुत कम रहता है। इसमें आप देखेंगे, इसमें आपको एक्वा ग्लिसरीन मिलता है। मैं आपको इसके डब्बे में, बॉक्स में बताऊंगी क्या क्या इस कंपनी वालों ने मेंशन करके रखा है इसमें, इस क्रीम को बनाने के लिए। तो इस क्रीम में आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इस कंपनी वालों ने इस क्रीम को बनाने के लिए यूज़ किया है। इसमें एक्वा ग्लिसरीन, जो कि खुशबू नहीं रहती, इसमें कलरलेस होता है, और ये ड्राई स्किन और इचीनेस जिनकी स्किन हो जाती है ना कभी कभी अचानक से, तो वो ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो वो ग्लिसरीन इस क्रीम में मिलाया गया है। और भी प्रकार के इसमें चीज़ें मिलाई गई है, जैसे कोको ग्लिसरीन मिलाया है इसमें, कुछ नेचुरल चीज़ें भी मिलाई है, जैसे आप देखते हैं सिनेमन सीड्स ऑयल दिख रहा है इसमें, और ये बहुत ज़्यादा फ्रेश और सॉफ्ट स्किन कर देता है।
बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है आपकी स्किन पे। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपको चोट आ जाती है, कुछ ऐसी चोट आती है कि वहाँ आपको ब्लीडिंग नहीं होता है, बस आपकी स्किन अलग हो छिल जाती है, तो वहाँ पे आप इस क्रीम को लगाएंगे ना तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करेगा स्किन और इफ़ेक्टिव आपको तुरंत उसका आपको असर हो जाएगा, आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा उस चोट का। तो मेरे हिसाब से ये क्रीम ऑल पर्पज़ है, कोई सी भी स्किन टाइप्स हो आप लगा सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी इस क्रीम को आप कब लगाएं। इस क्रीम को आप ठंड के मौसम में लगाएंगे तो ज़्यादा असर नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है और ज़्यादा स्टिकी भी नहीं है। तो इस क्रीम को आप बारिश के मौसम में लगाएं, क्योंकि बारिश के मौसम में वातावरण में इतनी नमी आ जाती है कि आपको ज़्यादा थिक क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा स्टिकी क्रीम की, चिपचिपी क्रीम की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो बारिश के मौसम में आपके लिए ये क्रीम बेस्ट है, फिर चाहे आपकी कोई सी भी स्किन टाइप्स हो, ऑल स्किन टाइप्स वालों के लिए ये वाला क्रीम रहता है। पर ये वाला क्रीम आप खास तौर पे बारिश के मौसम में यूज़ करें ना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। अब आपको मैं बात करती हूँ इस क्रीम के बारे में, निविया क्रीम जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था, यानी कि इस क्रीम की डिबिया को हो चुके हैं 100 साल। आप अपने दादी से, मम्मी से भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने भी ये क्रीम का यूज़ किया है, डेफिनेटली किया होगा। आप क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे, क्योंकि आपको आज के मार्केट में तमाम हज़ार प्रकार की क्रीम नज़र आते हैं, तो आप ये पुराने वाले प्रोडक्ट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं और आप इनके बेनिफिट भी भूल जाते हैं कि कितने ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेरे पास सबसे ज़्यादा क्रीम मैं जो कंज्यूम करती हूँ वो ये डार्क ब्लू वाली डिब्बिया का है। आप देख सकते हैं मेरे पास एक ऑलरेडी नई रखी थी जो मैंने साइड में रख दी है, और ये मेरे जो रेगुलर में यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ ट्राई करके। अब आपको इस क्रीम के बारे में बताती हूँ मैं, इस क्रीम में क्या खास बात है। ये क्रीम बहुत ज़्यादा ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत जल्दी फैलता नहीं है। आपको अगर फेस पे लगाना हो तो वो वाले क्रीम से अगर आप तुलना करो ना तो इसकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा स्प्रेड करने के लिए। अब आपको मैं राइट हैंड में बता रही हूँ अप्लाई करके, ये आप देख सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊँगी कि दोनों क्रीम में क्या डिफरेंस मिलता है। जैसे कभी आप अचानक से आपको पार्टी के प्रोग्राम में जाना हो और आप मेकअप के लिए आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं हो ना, तो आप ये क्रीम लगाइए, इससे आपको तुरंत ग्लो मिलता है, फिर चाहे आपकी कोई सी भी स्किन हो। बस एक बात का ध्यान रखें कि आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली नहीं होना चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है ना तो आप उसको एक बार फेस वॉश से ज़रूर वॉश कर लीजिए अपने फेस को, उसके बाद इस क्रीम का यूज़ कीजिए। आप देख सकते हैं कि राइट हैंड कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। ये क्रीम मुझे इसलिए पसंद आता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक मेकअप का सब्स्टिट्यूट है ये क्रीम। अगर आप मेकअप ज़्यादा प्रिफर नहीं करते हैं, मेकअप ज़्यादा करना नहीं पसंद करते हैं, तो आप ये क्रीम को अप्लाई करके किसी भी पार्टी में आप जा सकते हैं, बहुत बढ़िया स्किन नज़र आने लग जाती है आपकी। और इस क्रीम के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है। वो क्रीम सिर्फ आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कि आपने कुछ क्रीम लगाया है, बस आपकी ड्राइनेस को वो ख़त्म कर देता है। पर आप ये निविया डार्क ब्लू वाला देखोगे ना तो ये क्रीम लगाने के बाद आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है, आप देख सकते हैं आपकी जितनी भी ड्राइनेस, इचीनेस वो सारी तो ख़त्म हो जाती है, साथ में आपको एक अलग सी शाइन नज़र आती है इस डार्क ब्लू वाले क्रीम में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक चोट आई थी उंगली में, तो वो भी नज़र नहीं आती है और बहुत जल्दी उसे रिकवर करने में ये क्रीम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मेरे हिसाब से दोनों क्रीम मैंने आपको बताया कि जो व्हाइट वाली डिबिया है वो आपको बारिश के मौसम में यूज़ करना चाहिए, और आपकी मेरे हिसाब से अगर आप एक डब्बी खरीदेंगे ना तो आपका बारिश का मौसम तो आराम से निकल ही जाएगा। और डार्क ब्लू वाले डिबिया की बात करें ना तो ये क्रीम आपको ठंड के मौसम में यूज़ करना चाहिए। वैसे जिनकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई स्किन होती है ना तो उनको फिर डार्क ब्लू वाला ही क्रीम प्रिफर मैं करूँगी कि उन्हें हमेशा लगाना चाहिए। और दोनों क्रीम में एक बेनिफिट सबसे बड़ा जो है मैं आपको बताऊँ वो है पिंपल्स, जिनको होती है ना वो पिंपल्स भी ठीक हो जाती है इस क्रीम से। दोनों क्रीम में से कोई सा भी अगर आप लगाते हैं, आपकी ऑयली स्किन है तो आप व्हाइट वाली लगाई, अगर आपकी ड्राई स्किन है ना तो आपको उसको क्या करना है, रात को फेस वॉश करना है अच्छे से। अगर आपके पिंपल्स आपको बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है ना, तो आपको फेस वॉश करना है रात को अच्छे से, उसे वाइप आउट कर लेना है। उसके बाद इस डार्क ब्लू वाली क्रीम, डार्क ब्लू वाले जो क्रीम है ना निविया की, उसे आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो आप ऐसा एक महीने तक रेगुलर करेंगे ना तो आपको 100% बेनिफिट या गुड रिज़ल्ट आपको दिखाई देगा आपके फेस पे। अब हम इसकी प्राइस की बात
करते हैं तो ये जो डार्क ब्लू वाला है ना वो 39 रुपये का है, और इसमें आपको मिलता है लगभग 30 ml मिलता है। और हम ये इसकी बात करें वाइट वाले डिब्बी की, तो इसकी कीमत है 75 रुपये और इसमें आपको मिलता है 49 ग्राम। तो ये थी इनकी प्राइस। मैंने आपको बताया कि कौन से मौसम में किस स्किन वालों को कौन सा क्रीम कब यूज़ करना चाहिए। तो ये वाला क्रीम जो डार्क ब्लू है ये ठंड के मौसम में यूज़ करना चाहिए, और जिनकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है ना उन्हें 12 महीने यूज़ करना चाहिए, ऑल टाइम यूज़ करना चाहिए। और जैसे कभी आपको अचानक से घाव वगैरह लग जाते हैं ना तो उसमें आपको ये वाला क्रीम यूज़ करना चाहिए। मान लो आपकी स्किन आप एनालाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि आपकी स्किन ड्राई है कि ऑयली है, तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी सी अमाउंट में थिक वाला क्रीम लेना चाहिए और थोड़ा सा लिक्विड वाला लेना चाहिए और इसे मिक्स करके आपको लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, वैसे तो नुकसान नहीं देंगे क्योंकि दोनों एक ही कंपनी के क्रीम है ना, तो कोई नुकसान की बात ही नहीं है। और आप इसे लगाइए तो इससे क्या होगा, अगर सपोज़ आपकी स्किन थोड़ी वो ड्राई होगी तो वो आपका डार्क ब्लू वाला क्रीम कवर कर देगा, और आपकी स्किन अगर ऑयली होगी तो ये लिक्विड वाला क्रीम हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं दोनों को मिक्स करके। मैं अधिकतर इसी प्रकार से यूज़ करती हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको इस क्रीम के बारे में बता रही हूँ। अगर आपको अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं इस क्रीम के बारे में। मैं इस क्रीम के बारे में आपको इसलिए बता रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना, 100 साल पुराना है। इसे आज के समय में 100 साल हो चुके हैं और इसके यूज़ बहुत ज़्यादा है, और भी यूज़ है, फिर कभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। अभी इतनी जानकारी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।